मैं पहली बार तो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले 1982 में मैं पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा था और जीता था। चार बार मैं हिमाचल विधानसभा में रहा हूँ, विधायक के तौर पर भी और मंत्री के तौर पर भी, और पिछले 5 साल में लोकसभा में एमपी के तौर पर ही रहा हूँ। मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हिंदुस्तान जब से आज़ाद हुआ है, जब से ये एमपी के वोट डाले जा रहे हैं, आज़ादी के बाद कांगड़ा और चंबा से पहला एमपी राजू शांत है जो इतना घूमा है पंचायतों के लेवल पर और एमपी फंड का बंटवारा किया है निचले स्तर पर, लोगों के सुख और दुख में लगातार शामिल रहा है। तो लोगों को पहली बार महसूस हो गया है एमपी का मतलब क्या होता है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी परिभाषा कांगड़ा चंबा की जनता को समझ आ गई है, इसको मैं समझाने में कामयाब हो गया हूँ। देखिए, जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट अलग से कोई पैटर्न ही इसमें बनेगा। जब सशक्त जन लोकपाल आएगा तो बड़े बड़े मगरमच्छ जेलों में जाएंगे। देश का 75% धन जो देश के अंदर केवल 500 बड़े परिवारों के हाथ में हैं और इससे दुगना देश से बाहर है, जन लोकपाल हम लाएंगे, जब सारा पैसा आ जाएगा तो ऐसी योजनाएं बनाएंगे, देश का विकास भी होगा, रोजगार भी खुलेगा और नौकरियां भी मिलेंगी। एजुकेशन के मामले में भी जब पैसा आ जाएगा, पैसा डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, उन घरानों से ले लिया जाएगा, तो निश्चित तौर पर आम आदमी पर और आम नौजवान पर, आम विद्यार्थी पर खर्च करेंगे तो उसको शिक्षा अच्छी मिले, स्वास्थ्य अच्छा मिले, सुविधाएं मिले, ये सारा काम करेंगे। देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में निश्चित तौर पर जो रिजर्वेशन की बात है चल रही है, तो सारे चुनाव में पार्लियामेंट से लेकर के पंचायती स्तर तक हम चाहेंगे उनकी सहभागिता ज़्यादा हो। नहीं, हमारे सबसे बड़ा वायदा तो ये होगा, जैसे मैं पहले भी हर 6 महीने के बाद सारा के सारा हलकों में, प्रत्येक हलके में एक बार दौरा करता हूँ, जनता से मिलता हूँ, ये वायदा तो मैं आगे भी बढ़ाऊँगा और इसके तहत ही बड़ी बड़ी योजनाएँ, बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कांगड़ा और चंबा के लिए टूरिज़्म का बड़ा प्रोजेक्ट, मैंने पहले भी मुद्दे उठाए हैं लोकसभा में, वो फाइल चली हुई है, वो भारत सरकार से एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने की मैं कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ हमारे जो यहाँ की समस्याएं हैं, रेल के बारे में हैं, दूसरी बातें हैं, इसका पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे लगता है फिर भी जो मेरी धारणा बनी है, भारत सरकार करती नहीं है, नहीं करेगी तो संघर्ष के लिए मैं 1 साल में भूमिका तैयार कर दूँगा। मेरे बारे में ऐसी तो कोई बात नहीं जो वोटर ना जानते हों। आपका जीवन एक खुली किताब है। मेरा जीवन पूरा खुली किताब है। वोटर मुझे सब नेताओं से बेहतर समझते हैं क्योंकि मैं उनमें से एक हूँ, उनके बीच ही रहता हूँ, तो मेरी कुछ चीज़ ऐसी नहीं है जो छुपी रह गई हो, सब उनको पता ही पता है।